एवरीवन, आई एम ललिता धाकड़ फ्रॉम ललिताज इंग्लिश क्लासेस। सच कहने में दिक्कत क्या है या सच कहने में हर्ज क्या है, उससे बात करने में क्या दिक्कत है? तो ऐसे जब भी सेंटेंस हम बनाते हैं, जब हम कहते हैं कि कोई भी काम करने में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है या क्या हर्ज है, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। तो आज हम सीखेंगे इसी स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे। लास्ट में क्विज भी है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। स्ट्रक्चर है व्हाट इज़ द हार्म, व्हाट इज़ द हार्म, उसके बाद लिखेंगे इन, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मतलब फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड जो भी सेंटेंस में आएंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं, हार्म वर्ड की जगह आप प्रॉब्लम वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं हार्म वर्ड से ही बनाऊंगी क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ होता है। तो पहले जो मैंने आपको सेंटेंस बताया था वो मैं बता दूं, सच कहने में दिक्कत क्या है या सच कहने में हर्ज क्या है, अलग अलग तरह से हम हिंदी में बोलते हैं। तो इंग्लिश में हम बनाएंगे व्हाट इज़ द हार्म इन टेलिंग द ट्रूथ, व्हाट इज़ द हार्म इन टेलिंग द ट्रूथ। एक और सेंटेंस ताकि आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, अंग्रेजी सीखने में हर्ज क्या है, अंग्रेजी सीखने में दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। तो हम बनाएंगे व्हाट इज़ द हार्म इन लर्निंग इंग्लिश, व्हाट इज़ द हार्म इन लर्निंग इंग्लिश। अब आपके लिए एक क्विज है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो आपके लिए सेंटेंस है, उससे बात करने में दिक्कत क्या है, उससे बात करने में दिक्कत क्या है। थैंक यू सो मच।